जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट बाबर अली, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स पैराटॉन कराची से। आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनके बिल्डर्स और उन्होंने बहरिया टाउन में उनकी क्या खिदमात हैं, बिल्डिंग बनाने के अलावा भी उन्होंने क्या क्या इधर किया है और पॉजिटिव मैसेज दिया है, और जो आज इतना आबाद हो चुका है बहरिया टाउन उसमें उनका कितना हाथ है, और आज जो हम प्राइवेट प्रोजेक्ट में बात करते हैं तो सबसे पहले किन का नाम आता है, जो हमारे तालब भाई हैं, लाल तालब भाई हैं, और इनसे आज कुछ क्वेश्चन करेंगे। कैलिफोर्निया रियल स्टेट के सीईओ हैं, और वैसे भी ये माशाल्लाह बहरिया टाउन के मामलात को भी बहुत अच्छे तरीके से देखते भी हैं, और रेजिडेंशियल के जितने भी आप देखते हैं, हमारी आबादी माशाल्लाह दिन ब दिन बढ़ रही है, इस मामले को भी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पूछेंगे लाल तालब भाई से कि कैलिफोर्निया रियल स्टेट के जो माशाल्लाह प्रोजेक्ट की क्वांटिटी बता दें, और ये सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये भी बताता चलूं कि बहरिया टाउन कराची में जो सबसे पहला प्राइवेट प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन में 2 बेड का, वो माशाल्लाह कैलिफोर्निया रियल स्टेट ने ही डिलीवर किया है, और इंशाल्लाह एक दो कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे वो भी इंशाल्लाह आबाद हो जाएगा। जी बिलाल भाई, जो आप एक तो इसकी क्वांटिटी बता दें और कितने प्रोजेक्ट हैं, और माशाल्लाह रियल स्टेट कैलिफोर्निया आप तक कितने बना के दे चुकी है। जी बाबर भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी और आपके तारफ का, जो आपने जो कम्प्लीमेंट दी है उसके लिए भी आपका शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो है कैलिफोर्निया रियल स्टेट एंड बिल्डर्स, ये टोटल कंसेप्ट के ऊपर काम करती है। ये इस चीज़ पर बिलीव रखती है कि हमने लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करने हैं। ये एक नया आबाद होने वाला शहर है, ये एक नई आबादकारी हो रही है। यहाँ पर लोग मुख्तलिफ जो बैकग्राउंड के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोफेशन के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, मुख्तलिफ जो इलाकों से यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए जो एक उनको मुख्तलिफ उनकी ज़रूरतें भी पैदा हो रही हैं यहाँ पे, जब वो इकट्ठे यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, तो उन मसाइल के ऊपर जो है ना वो हमारी कंपनी काम करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 18 प्रोजेक्ट जो है ना हमारी कंपनी अभी तक कर चुकी है, और हमने तमाम तर जो है वो प्रोजेक्ट वो कंसेप्ट बेस्ड हम कर रहे हैं, जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत आप महसूस करते हैं हम उसके ऊपर काम करते हैं। हमने टेक मॉल दिया, जो हमने टेक्नोलॉजी से जुड़ी जितने जो बिजनेस वाले थे उन सबको एक छत के नीचे ले आए, और लोगों को भी एक प्रोवाइड की कि आप भी एक ही शेल्टर के नीचे जाके अपनी टेक्नोलॉजी से हर जुड़ी हर जरूरत को उसके नीचे पूरा कर सके। इसी तरह से हमने मेडिकल से जुड़ी जो थी डॉक्टर प्लाजा देख के, उसके अंदर हमने मेडिकल से जितने जुड़े प्रोफेशन जिनका जुड़ा हुआ था उनको भी एक छत नीचे लिया, और जो लोगों की जरूरत थी उसको भी हमने एक छत के नीचे लिया। इसी तरह से हमने जो ड्रेस माल है उसमें फैशन इंडस्ट्री सारी को हमने वहाँ पर एक छत के नीचे शिफ्ट किया, और लोगों को भी ये रास्ता दिया कि आप यहाँ से आके अपनी तमाम तर जो 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 ड्रेसिंग की एसेसरीज हैं वो आप सारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसी तरह से फिर हमने जो यहाँ पे हमने देखा कि ये चूँकि कराची से ये थोड़ा मार्केट जो थी उनसे हटके था, तो यहाँ पे जो जो फर्निश करने का जो चार्ज रेट से वो बहुत ज़्यादा पड़ रहे थे लोगों को, जब भी कोई इंडिविजुअली एक एक अपना वो करता, तो हमने इसके कंपनी ने इसके ऊपर ये डिसाइड किया कि हमें ये जो कास्ट है इसको कम करना है, और उसके लिए हमने जो अपने फर्निश्ड जो थे ना वो अपार्टमेंट हमने वो लॉन्च किए। इसी तरह से फिर हमने ज़रूरत महसूस की कि यहाँ पर अब हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री की ज़रूरत है, यहाँ पर जो एक गैप मौजूद है यहाँ पर, कोई भी वहाँ पर कोई मूव करता है, कोई इन्वेस्टर हो, कोई यहाँ का कोई भी किसी किस्म का भी उसका बिजनेस यहाँ पे जुड़ा हुआ हो, तो जब वो यहाँ पे मूव करता है तो उसके पास शेल्टर नहीं है जो वहाँ पे वाक है। और इसी तरह से जो एक दुनिया भर में जो ये जो एक आइडिया है वो प्रिवेल हो रहा है सर्विस अपार्टमेंट्स का, तो हमने उसको जरूरत महसूस करते हुए हमने यहाँ पे सर्विस अपार्टमेंट की भी चेंज दी। अभी हमने इस वक्त चूंकि जो एक इन्फ्लेशन रेट बहुत तेज हो रहा है, चीज़ें जो है ना वो बड़ी तेजी के साथ चेंज हो रही हैं, तो हमने ये वाला जो प्रोजेक्ट था इसके पीछे हमने एक तो इसको इसके ऊपर हमने दोनों ऑप्शन दिए लोगों को, जो लोग तो इसके अंदर यानी फुल पे करके अपनी उसके ऊपर जो है ना वो हमने उनके लिए एंड यूजर इन्वेस्टर भी आ सकता है, इन्वेस्टर भी आ सकता है और उसके अंदर एंड यूजर भी आ सकता है, कि वो जब वो आए तो हमने उसको चांस दिया कि हम आपको ये 7500 के हिसाब से पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको वो दे देते हैं, ताकि आप फुल पेड करें, ताकि हम भी जो इन्फ्लेशन हो रही है उसको फौरी रोक लें, हम भी आगे। और ये बहरिया टाउन कराची में सबसे पहले ये वाला हमने उनके लिए किया, और जो नॉर्मल प्राइस में लेना चाहता उसके लिए हमने उसको 9500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो रखा है, ठीक है। तो ये हमारा जी आप देख रहे होंगे बिलाल भाई से हमने क्वेश्चन किए हैं, और बिलाल भाई माशाल्लाह जो भी बहुत सारे ओवरसीज क्लाइंट हमारे, ये मोस्टली क्वेश्चन होता है, और मार्केट में ऐसी चीज़ें चल भी रही होती हैं कि जी ये बिल्डर ने पहले क्या बना के दिया, और माशाल्लाह हमारे पास तो बहुत अच्छी एग्जांपल है, लिबर्टी पार्क रेजिडेंशिया जो बनाया है, हेड ऑफिस फेसिंग है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम बड़े कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं कि बहरिया टाउन में सबसे पहले बिल्डर्स कैलिफोर्निया रियल स्टेट वाले हैं,
जिन्होंने अब हैंडओवर कर दिया है और इंशाल्लाह ये कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे फैमिलीज भी मूव होना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि इसमें टाइम पीरियड का अल्हम्दुलिल्लाह आप ज़्यादा नहीं कहेंगे, 6-7 माह लेट हो जाता है, इसको हम कंसिडर नहीं करते, मगर जो टाइम दिया जाता है हम इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। कैलिफोर्निया रियल स्टेट इस बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती और इसके अलावा भी हम एंड यूज़र और इन्वेस्टर को भी इनवाइट करते हैं, एक दफ़ा आएँ, हर चीज़ डॉक्यूमेंट्स, और मेरे ख्याल में जब लाल भाई का नाम आ जाता है, इनका फेस आ जाता है, उसके बाद कुछ चीज़ ऐसी रहती नहीं है वेरिफिकेशन वाली। और 18 प्रोजेक्ट जो माशाल्लाह लॉन्च कर दिए गए हैं और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो भी इंशाल्लाह आपकी आपके तावन के साथ वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम हैंड ओवर कर देंगे। और इसी के साथ अपने होस्ट बाबर अली को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।